इस वक्त ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये जी समाधि जिंगर शाह सुथरा की है। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि जिंगर शाह सुथरा की समाधि अंदर से कैसी दिखती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना अब्दुल मुगल और इस वक्त ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये जी समाधि जिंगर शाह सुथरा की है। जिंगर शाह सुथरा एक फकीर था जो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में शाही फिरके का बानी था सिखों के। सिखों का जो सुथरा फिरका था जिस फिरके का नाम था सुथरा, सुथरा का मतलब होता साफ सुथरा यानी कि साफ और पकीजा। और इसको जब नजर आतिश किया गया जब इसके मरने के बाद तो इसकी समाधि यहाँ पर बनाई गई। आप देख सकते हैं पीछे ये शाही किले की दीवार है और शाही किले की दीवार के साथ इसकी समाधि बनाई गई है। जो सुथरा फिरके के लोग थे जो वो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान चले गए थे, उसकी समाधि आज तक यहाँ मौजूद है और इसकी हिफाजत हुकूमत पंजाब की ज़ेर निगरानी यहाँ की जाती है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सुथरा को औरंगजेब आलमगीर ने फिर दुकान से 3 पाई लेने का यानी कि 3 पाई हफ्ता वार या महाना वार या दिन का लेने का जो भी हिसाब था उस वक्त वो लेने की इजाज़त थी औरंगजेब की तरफ से। उसको वो एक फ़कीर था और वो सिखों के 6ठे गुरोह हरगोबिंद सिंह का शागिर्द था और हरगोबिंद सिंह ने ही उसको सुथरा का खिताब दिया था। उसका नाम जिंगर शाह था असल में। ये जी वो सामने समाधि है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर फूल सा बना हुआ है। समाधि के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फूल जिस पे बना हुआ है ये पहले नहीं बना होता था। हमें गूगल से कुछ पुरानी फोटोज़ मिली हैं इस समाधि की जिसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है। इस जगह के दरवाजे नहीं होते थे, ये बंद नहीं होती थी, इसके बुरे हालात होते थे। बाद में इसको हुकूमत पंजाब की तरफ से ठीक करवाया गया। तो बेसिकली ये जो अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बाद में ही बना है। ये समाधि अंदर से कुछ भी नहीं था, खाली थी। ये समाधि इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अस्थियां जिसको कहते हैं जलाने के बाद जो बचती हैं उनकी समाधि बनाई जाती है। और ये जिंगर शाह सुथरा की समाधि है। ये इसका दरवाज़ा उस साइड से बंद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ताला लगा हुआ है इस दरवाज़े को। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है और ये काफ़ी प्यारी है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त भी नहीं है। जो समाधि वो काफ़ी प्यारी है, उसके ऊपर वो छोटा सा गुंबद है और यहाँ पर बोर्ड पे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, वो कौन था और क्या था।